अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, और अगर आप ऑनलाइन पैसे भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही, 200, 500, 1000 जो आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुझे जिसका डर था, मेरे प्यारे मुल्क भारत को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, आखिर वही खबरें आ रही है। मैं तकरीबन 5 सालों से हमारे यहाँ की गोदी मीडिया को भी समझाता था और हमारे यहाँ के अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को भी समझाने की कोशिश करता था, और हुकूमत को भी कहता था कि देखो, इन अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को रोको, नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को जो बाहर काम कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। मैं हुकूमत से भी कहता था कि देखो, तुम यहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, लोग यहाँ से गल्फ कंट्रीज़ में बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, तुम यहाँ पर गंदगी करोगे मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, तो इसके असरात बुरे होंगे। अब आखिर उसके बुरे असरात अब देखने को मिल गए हैं। यहाँ पर बीजेपी के 2 घटिया किस्म के लीडरों ने प्यारे आका मोहम्मद सल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके असरात ये हुए कि अब पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से इस्लामी मुल्कों में मुल्क भारत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, और उसका बुरा नतीजा ये हुआ कि यमन के शेख ने अपने यहाँ तमाम नॉन मुस्लिम काम करने वालों को, वर्कर्स को, मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। जी हाँ, यमनी शेख अली अल जमाल ने हिंदुस्तानी अशिया के बायकाट समेत, यानी इंडियन प्रोडक्ट्स का भी बायकाट किया और अपने तमाम नॉन मुस्लिम्स को निकाल दिया, और अपने ट्वीट में कहा कि मैं अपने तमाम गैर मुस्लिम नौकरों, यानी हिंदू मुलाजमीन को काम से निकाल रहा हूं और उन्हें वापसी के टिकट समेत उनका सारा बकाया अदा भी कर रहा हूँ, और मैं हिंदुस्तान में बनने वाली तमाम प्रोडक्ट्स का बायकाट और उनकी खरीदो फरोख्त बंद करने जा रहा हूं, और नामू से रिसालत के खातिर, यानी प्यारे आका सल्लम की इज्जत के खातिर, मेरे ये इकदामात ईमान का आखिरी दर्जा है। तो अब देखें कि पूरी दुनिया में अब इस
पर आवाज़ें उठने लगी है और हमारे प्यारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। और हमारे यहाँ के भी बाकायदा संजय सिंह ने और अरविंद केजरीवाल ने, राहुल गांधी ने, तमाम ने ये कहा है कि बीजेपी की ये नफरतों की जो घटिया पॉलिसी है और मोदी जी की खामोशी के वो अंधभक्तों को नहीं रोकते थे घटिया हरकतों पर, तो आज मोदी जी और बीजेपी की ये घटिया पॉलिसी ने हमारे मुल्क की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है, मुल्क की छवि को खराब कर दिया है। अयनादिन मक्कतुल मुकर्रमा से हमारे रिपोर्टर अब्दुल कय्यूम खान ने बताया कि मक्का मुकर्रमा में इस साल यानी 2022 के हज की तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी है और मक्का मुकर्रमा में हाजियों के लिए 3,000 रिहाइश गाहें और होटलों के 2.5 लाख कमरे खास कर दिए गए हैं। आप जानते हैं कि तकरीबन 2 सालों से कोरोना की वजह से हज नहीं हो पाया था और बाहर से लोग हज के लिए नहीं जा पाए थे, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के हज की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। हज के सीजन में इस साल रहने वाले कमरे किराए पर लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन हज भी राबता कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाउसिंग वर्क्स ने आज़मीन के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस तनाजुर में कौमी कमेटी बराए हज उमरा और ज़ियारत के रुकन और मक्का मुकर्रमा में होटल्स कमेटी के रुकन हानी अल उमैरी ने अल अरबिया .net को बताया कि मक्कतुल मुकर्रमा में हाजियों के क़याम के ठहरने के लिए 3,000 से ज़ायद रिहाइश गाहें खास कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मक्का मुकर्रमा में होटलों के तकरीबन 2,50,000 कमरे हाजियों के क़याम के लिए तैयार हैं। आइरादिन बड़ी खबर आ रही है रशिया और यूक्रेन के हालात को लेकर। आप जानते हैं कि 100 दिन मुकम्मल हो गए मगर फिर भी वार, जंग, लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि रशिया को हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका भी काफ़ी मेहनतें कर रहा है कि रशिया को दबाया जाए। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने नई वार्निंग देते हुए ये कहा कि कोलान रेंज मिसाइल अगर फराहम किए गए तो फिर नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन पर अमेरिका और मगरिब को रशिया के सदर पुतिन ने वार्निंग दी। रशिया के सदर ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर मगरिब यूक्रेन को लंबे फासले तक निशाना बनाने वाले मिसाइल देता है, फराहम करता है, तो फिर मास्को नए अहदाफ पर हमला करेगा, जबकि कीव को नए हथियारों की फराहमी का मकसद तनाजे को तूल देना है। यानी रशिया ने यूक्रेन, अमेरिका और मगरिब तीनों को वार्निंग देते हुए ये कहा है कि अगर कोई और नई हरकत की तो फिर हम नई नई जगह को निशाना बनाएंगे। और बर्तानिया का ये कहना है कि रशिया को रोकना बहुत ज़रूरी है। बर्तानिया ने यह कहा है कि रशिया ने अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के कई शहर को सफ़ेद हस्ती से मिटा दिया है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि यूक्रेन में एक और सरकर्दा रूसी जनरल की मौत की खबरें हैं। आइरादिन इसराइल और लिबनान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इसराइल आप जानते हैं कि लगातार आतंकी हमले फ़लस्तीन, फ़लस्तीनियों, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस और लगातार कई मुल्कों पर, इस्लामी मुल्कों को इसराइल अपने आतंक का निशाना बनाता रहता है। अभी यह खबर आ रही है कि मुतनाज़िया जो समंदरी इलाका है वहाँ पर इसराइल की गैस ड्रिलिंग को लेकर लिबनान ने एहतजाज किया और बहरी जहाज भेजने की मजम्मत की। लिबनान ने इसराइल के साथ मुलहका बॉर्डर पर मौजूद मुतनाज़िया इलाके में इसराइल की जानिब से कुदरती गैस निकालने के लिए बहरी जहाज भेजने की मजम्मत करते हुए खबरदार किया कि इसराइल किसी भी जारह कदम उठाने से बाज रहे। यानी लिबनान ने एहतजाज करते हुए इसराइल को वार्निंग भी दी है। आइनादिन आखिरी बड़ी खबर पहली ही खबर से जुड़ी हुई है। जी आप जानते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में मोदी और बीजेपी ने कितना नुकसान पहुंचाया। संजय सिंह आप पार्टी के लीडर कदावर नेता ने खुलकर इस बात को कहा और राहुल गांधी ने भी खुलकर यह कहा कि मोदी और बीजेपी की घटिया और नीच पॉलिसी की वजह से हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में बदनाम हो गया और पूरी दुनिया में अब हमको निशाना बनाया जा रहा है। जैसे यमनी शेख
ने हिंदू भाई जो वहां पर काम करते थे उनको नौकरी से निकाल दिया, तो यहां मोदी नौकरी नहीं दे पाए। जो लोग बेचारे वहां गए थे कमाने के लिए उनको भी यहां की गंदगी की वजह से उनको वहां पर नौकरियों से निकाला जा रहा है। खैर आइए, बीजेपी के दो घटिया किस्म की एक औरत और एक मर्द नवीन जिंदल ने जो घटिया हरकत की और प्यारे आकाश सलम की शान में गुस्ताखी की, इसको लेकर अब पूरी मुस्लिम दुनिया में एहतजाज जारी है। और एहतजाज कैसे हुआ कि हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट नायडू के एजाज में कतर ने जो पार्टी रखी थी वो पार्टी कैंसिल कर दिया। जी हाँ, कितनी बड़ी बेइज्जती। वहीं पर कतर और कुवैत के बाद अब ईरान और पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के सफीरों को बुलाया। जी हाँ, सऊदी अरब और तालिबान ने भी बाकायदा गुस्से का इजहार किया। वहीं पर इमरान खान ने अक्वामे मुत्तहदा यूएनओ से कहा कि इस मामले में दखल दे, और कुवैत की तो सुपरमार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स को निकाल कर फेंक दिया गया। और यूएई, गल्फ कंट्रीज, मुत्तहदा अरब इमारात और ऐसे ही मक्का मुकर्रमा के इमाम मोहतरम शेख सुदेश और दीगर उलमा और जितने भी मजहबी स्कॉलर है उन्होंने भी, और मिस्र की जामिया अजहर ने भी हिंदुस्तान में बीजेपी की इन लीडरों की घटिया हरकत की निंदा की, मजम्मत की। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि अंधभक्तों और गोबर भक्तों की अकल ठिकाने पर नहीं आ रही है। मोदी भक्तों ने कतर एयरवेज के बायकॉट का ट्विटर पर नारा उछाला। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।